नमस्कार, फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा पांडे। और आज के इस खास शो के खास मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने न केवल मरुधरा का मान बढ़ाया बल्कि पूरे दुनिया में देश का डंका बजाया है। जी हाँ, एक ऐसे खिलाड़ी हमारे बीच हैं जो करौली के लाल तो हैं लेकिन जब जब ये किसी भी खेल के मैदान में उतरे तो अपनी काबिलियत का डंका बजाते चले गए। हम बात कर रहे हैं 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले और अभी हाल फिलहाल में जो एशियन पैरा गेम्स हुआ था उसमें मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुंदर गुर्जर की। आज उनसे बात करेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी परिवार का बेटा इस तरह से आगे बढ़ा कि हर कोई उसे अपना मिसाल मानने लगा। एक बड़ा दर्द भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, रियो ओलंपिक में वो नहीं खेल पाए थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो साथ ही जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जो तमाम कामयाबी उनको मिली है, प्रधानमंत्री ने उनको सम्मानित किया है, तो उस पर वो कैसा महसूस करते हैं, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सुंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुंदर, ये सफ़र बहुत बड़ा था, एक छोटे से परिवार से निकलना, उसके बाद इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में जाना, बहुत तमाम तरह की जो हर्डल्स थे, मुश्किलें थी, उनको पार करना, कैसा रहा ये सफर? यस मैम, इस जिंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो मेरा क्षेत्र है उधर से खेल का कोई माहौल नहीं है, सिर्फ हमारे परिवार वाले भी यही कहते थे कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और शुरू से पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट कम ही था, क्यों, मैं 10वीं में एक बार फेल भी हो गया तो घर वालों ने बहुत मारा था। लेकिन शुरू में मेरे फादर भी रेसलिंग करते थे, मेरे भाई भी कुश्ती करते थे, तो मेरे को भी कुश्ती करने का शौक़ था। और मेरे फादर मेरे को स्कूल भेज देते तो मेरे स्कूल एक नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है, वहाँ पे एक बाग था, तो मैं घर से तो स्कूल आ जाता था तो मैं वो बस्ता तो वहीं बाग में रख देता था और वहीं मैं मेहनत करता था। और स्कूल का जब छुट्टी का टाइम होता 4 बजे मैं वापस घर चला जाता, तो मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता था घर वालों को छुप के। तो उसके बाद में मेरे को काफ़ी लोगों ने मना किया कि ये कुछ नहीं करेगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ऐसे ही डोलेगा। तो उसके बाद में हमारे स्कूली टूर्नामेंट हुए थे, स्कूली टूर्नामेंट में मेरे को इंटरेस्ट तो था ही खेल का, तो मैंने मेरे स्कूल के पीटीआई जी थे हुकम सिंह जी, उन्होंने मैंने कहा सर मेरे को भी खिलवा लो, तो उन्होंने मेरे को खिलवा दिया। तो मैं शॉर्ट पुट करता था उस टाइम, तो शॉर्ट पुट में मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गया, तो मैं सोचने लगा मेरे से बड़ा तो कोई नहीं, मैं तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट हूँ। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने भी थोड़ा सा हौसला कर दिया कि चलो। तो लेकिन एक बात बताइए, पिता आपके रेसलर, भाई आपके रेसलर, तो ऐसा लाजमी होता है कि घर में जो एक खेल चल रहा होता है उसे ही कंटिन्यू किया जाता है, उसे ही आगे बढ़ाया जाता है, तो फिर अचानक से जैवलिन थ्रो कैसे? हाँ, तो वो मैम रेसलिंग करना मेरा पसंद था क्योंकि 2008 के ओलंपिक में सुशील कुमार पहलवान का मेडल आया था, तो मैं उनको ही वो करता था फॉलो कि मुझे भी ऐसा ही पहलवान बनना है, एक वर्ल्ड लेवल पर जाना है। लेकिन उस टाइम मेरे को कोई कोच नहीं मिला, कुश्ती का कोई कोच नहीं मिला, तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो कोच की जरूरत, गुरु की जरूरत होती है। तो फिर हमारे पीटीआई जी थे वो एथलेटिक्स के थे, उन्होंने कहा तेरे को शॉर्टपुट तो मैं खिलवाने ले चल सकता हूँ, तो मैंने कहा मेरे को तो शॉर्टपुट ही करवा दो, कहीं तो खिलवाओ। तो फिर मैं उसमें डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गया, स्टेट में फर्स्ट आ गया। तो शॉर्टपुट से इस खेल में कैसे आए, कौन लेकर आया? हाँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल में फर्स्ट आया, नेशनल तक मेडल था। उसके बाद में हमारे स्टेट काउंसिल राजस्थान सरकार हॉस्टल चलाती है स्टेडियम के अंदर, तो उसका ट्रायल था, सिलेक्शन ट्रायल यहाँ रखती है वो बच्चों को, तो मैं ट्रायल देने आया था। इस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था और अपने कोच थे महावीर सैनी जी, उन्होंने मैंने लगभग 6 महीने शॉर्ट पुट किया, तो उन्होंने फिर देखा कि आगे अच्छा वो नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने एक दिन अपने साथ वाले लड़के थे मेरे साथ के वो जैवलिन फेंक रहे थे, तो मेरा भी मन आया मैं फेंक लेता हूँ, तो मैंने जैवलिन फेंका था, तो मैंने उनसे ज़्यादा जैवलिन फेंका जो 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। तो फिर कोच साहब ने बोला कि ऐसा कर तो जैवलिन करने लग जा, और उसके बाद मैं जैवलिन तक आज तक रुका ही। अच्छा, कई सारे खिताब आपने अपने नाम किए लेकिन एकाएक एक बड़ा हादसा सामने आया जिसके बाद बहुत कुछ शायद बदल गया होगा, तो उससे बाहर निकलना और उसके बाद के सफ़र को तय करना, वो कैसा रहा? यस मैम, मैं 2014 तक तो एवल बॉडी के अंदर प्लेइंग करता था, तो उसके बाद में 2015 में एक्सीडेंट हुआ, तो मैं उससे काफ़ी नर्वस हो गया था कि मेरा सपना था आर्मी ज्वाइन करना, फौजी बनना। उसके बाद मैं जब सपना टूट गया तो मैं 1-2 महीने तक तो अपने रूम के अंदर ही रहा, मेरे मम्मी पापा को भी पता नहीं लगा कि एक्सीडेंट हो गया, वो तो गांव में रहते, मैं जयपुर रहता था। उसके बाद में मेरे कोच को भी पता नहीं था, महावीर जी को, मैं ग्राउंड छोड़ गया और मैं चला गया। फिर मैं 2 महीने बाद आया, तो उस टाइम अपने पैरा ओलंपिक 2016 के ट्रायल चल रहे थे, तो मैं ट्रायल दे के आया तो उसमें मेरा सलेक्शन हुआ, और उस टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड 62 मीटर का था और मैंने थ्रो लगाया था 68.42 का, वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी काफ़ी बेटर। उसके बाद ओलंपिक्स ट्रायल, फाइनल ट्रायलों में मैंने 70+ जेवलिन भी मारी, लेकिन
बदकिस्मती थी या बैड लक था, मेरे पास साथ काफ़ी धोखा भी हुआ। पहले भी मेरे को जूस में या डॉप में फंसाने की कोशिश की थी लोगों ने, जूस वाले। किसने कोशिश की थी? उसका तो मैं क्या नाम लूँगा, सारी दुनिया जानती है। अगर कोई भी फंसाने की कोशिश करेगा, मेरे प्रतिद्वंद्वी करेगा, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। तो प्रतिद्वंदी आप किसको अपने बगल में पाते हैं, क्योंकि वैसे तो कई सारे खिलाड़ी हैं अभी आगे। अगर अभी हाल फिलहाल के गेम को देखिए, एशियन पैरा गेम्स में देखे तो 3-4 चेहरे उभर कर आए। तो वो तो अपने राजस्थान के थे जो उन्होंने अपने जूस वाले को बोला। नाम तो मैं क्या बताऊंगा, उसको सब जानते हैं। लेकिन उसको बोला था कि हम तेरे को 4-5 लाख रुपए देंगे और सुंदर आता है उसको जूस में कुछ पिला देना। उस टाइम नरसिंह यादव रेसलर भी डॉप में फंसा था और मेरे को भी फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन जूस वाला मेरा अच्छा मित्र था, उसने ऐसा नहीं किया। उसने ज्योतिनगर थाने में FIR भी कराई थी, जो आज तक भी केस चल रहा है उसका, और काफ़ी ये मीडिया में भी आई थी बात। लेकिन उसके बाद भी ओलंपिक में जाके तो उन्होंने मेरे साथ धोखा कर ही दिया। जो कोच था अपने इंडिया का, दीपक भारद्वाज जी थे, उन्होंने जो अपना कॉल रूम में एंट्री करने का टाइम होता है 5:15 से 5:30 का था, मैं कॉल रूम के बाहर ही वार्म अप कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को टाइम नहीं बताया कि यहाँ पे 1 मिनट भी लेट हो जाओगे तो बाहर हो जाओगे। मैं वहीं वार्म अप कर रहा था। वो कौन से अधिकारी और थे वहाँ पर जो पूरी टीम जाती है? अधिकारी वहाँ अधिकारी नहीं, वहाँ सिर्फ कोच अलाउ था। स्टूडेंट को साथ एक कोच जाता है जो अंदर तक छोड़ के आता है कॉल रूम तक। तो मैं वार्म अप कर रहा था, वो मेरे से तो इतना बोल नहीं रहा था, तो वो देवेंद्र भाई साहब के साथ था। तो मैं सोच रहा था कि मत बोलना, बोल रहा तो मैं इनको फॉलो कर लूँगा, इनके पीछे पीछे चल लूँगा। लेकिन उन्होंने एंट्री भी तब की थी जैसे 5:15 से 5:30 तक का टाइम था, तो 5:29 या 30 मिनट पर वो अंदर पार हो गए। तो मैंने सोचा वो चले गए, मैं बैग उठा के धीरे धीरे आया, तब तक 5:31 हो गए। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा विरोधाभासी बयान भी सामने आए। आपके जीजा कहते हैं कि उस वक्त कोई आपको माला पहना कर गया, उसकी गंध से कुछ आपको ऐसा हुआ, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा लॉस्ट हो गए और इस वजह से आप लेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जीजा जी तो वहाँ थे नहीं, वहाँ तो प्रैक्टिस में था मेरे में जो। भाई कहते हैं कि आपको लैंग्वेज क्या प्रॉब्लम था, इशू था, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश थी और इंग्लिश शायद आप ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे। लैंग्वेज का तो मेरा, आपको मिला नहीं, लैंग्वेज का मेरा प्रॉब्लम था। लेकिन मेरा जो फोकस था, मेरा ध्यान था सर, मेरा ये जेवलिन के ऊपर चल रहा था। मैं इतना बाहर की आवाज़ में सुन ही नहीं रहा था और सिर्फ मैं ये देख रहा था कि मेरे को इनके साथ जाना है। लेकिन उन्होंने भी जब फिनिश टाइम हो रहा था तब एंट्री अंदर की थी और मैं बैग उठा के 20 मीटर से आया था, तब तक 1 मिनट लेट हो गया था। तो किसी ने मदद नहीं की, उन्होंने बताया भी नहीं ना कि आप आ जाओ या नहीं। अगर 1 मिनट की देरी थी तो क्या आप कुछ कोशिश की गई आपके टीम मेंबर्स जो थे, जो भी अधिकारी थे या कोच? उसके जब बाहर हुआ था तब तो मेरे कोच थे महावीर सैनी जी, वो भी आए अपने इंडिया के जितने भी वो थे ऑफिशियल सारे आए। उन्होंने फिर पैसा भी जमा कराया, वापस कमेटी बैठी तो फिर उन्होंने कहा नहीं 1 मिनट लेट हो गया तो हो गया, वो चांस मिस हो गया। 2020 से फिर उसके बाद तो मैं टूट ही गया था कि अब क्या करूँगा, जब इतना बड़ा ओलंपिक मिस हो गया और ओलंपिक का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड का दावेदार था, क्योंकि 10 मीटर से वर्ल्ड के अंदर आगे था, कोई आसपास भी नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी, फिर कोच साहब ने मेरे को मोटिवेट किया, काफ़ी समझाया कि अगर गेम छोड़ देगा या कुछ भी कर लेगा। कितना टाइम वो था जिस दौरान आप वाकई में बहुत डिमोरलाइज हो गए थे, डिप्रेशन में थे? तो 1-2 महीने तो मैं बिल्कुल ही पागलों की तरह हो गया था कि बस मेरे को कुछ नहीं दिखता था। मैं ये सोचता था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, ये कर लूँगा। चाहे खिलाड़ी के जहन में इस तरह की बातें भी आती हैं। मैं सब कुछ, जब मेरा जो सपना था ओलंपिक में, बस या तो मैं सबसे वर्ल्ड के अंदर नंबर वन नहीं होता तो मेरे को इतना दुख नहीं होता, क्योंकि मेडल के डाउट में होता कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैं तगड़ा ही इतना था कि मेरे को कंफर्म था कि मेरा तो गोल्ड। यानी कि अगर आप रियो पैरालंपिक खेलते तो गोल्ड आपको ही मिलता, ये आपको पता था? कंफर्म मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि गोल्ड मेरा ही था। 2020 अभी तो बाकी है। अगर अब तो अगला टारगेट मेरा 2020 ओलंपिक। अच्छा, ये जो फेज था जो आपने बताया कि जूस में कुछ मिलाकर देने की बात आपने कही, कि डोपिंग में आपको फंसाने की साजिश रची गई, फिर आगे भी साजिश हुई, उसके बाद आप जयपुर से गायब हो गए, आपने कहीं और प्रैक्टिस की? हाँ, वो कहाँ पर प्रैक्टिस की, कौन कौन साथ में था और कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, क्या कुछ वहाँ पर किया गया, उसके बारे में भी कुछ बताइए, डिस्क्लोज कीजिए। हाँ, उसके बाद जब मेरे को पता था कि मेरे पीछे, जब मैंने काफी लोगों से सुन लिया कि अगर तेरा अगर जूस में नहीं हुआ तो तेरे को एक्सीडेंट करवाएंगे। अच्छा, ये हुआ था, फिर मैंने सोचा मैं चला। कभी आपने पुलिस में इसके लिए की कि आपको इस तरह की भी खबर मिल रही है? हाँ, वो FIR करवाई थी, उसके बाद वो चल ही गया। डोपिंग वाला तो मामला था, लेकिन अगर इस तरह से कि आपकी जान पर भी भारी पड़ रही थी बात कि कोई इस तरह की साजिश रच रहा है, तो उसको लेकर भी कोई शिकायत की गई? हाँ, मैं की थी काफी, लेकिन फिर कोच साहब ने बोला था कि अभी ओलंपिक आ गए, 1 महीना ओलंपिक का बच रहा है, इतना क्यों डिस्टर्ब होता है, अपन यहाँ चक्कर काटते फिरेंगे, इसके बजाय हम ट्रेनिंग करने चले। तो कहाँ गए थे आप ट्रेनिंग? मैं कोच साहब के गाँव गया था, वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ सुनसान जगह, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया लगभग महीने भर। महावीर जी आपके साथ थे वहाँ?
वो हमेशा साथ रहे। यस, उन्होंने आज तक साथ दिया, पहले भी साथ दिया था, वो देते रहेंगे। वो मुझे बच्चे की तरह रखते हैं, वो बोलते हैं एक बच्चा है मेरा। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि आप कई इंटरनेशनल इवेंट्स में जब जाना चाहते हैं तो शुरुआती रकम आपको जुटानी पड़ती है। क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन आई थी, और अगर ऐसी सिचुएशन आई थी तो कोई एक ऐसा शख्स जिसने मदद की हो, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे? जी मैम, आज के टाइम पे तो फाइनेंशियली मैं मजबूत हो गया, लेकिन एक टाइम था जब मेरे पास नहीं था, उस टाइम मेरी मदद की थी, कोच साहब ने भी की थी। और जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस टाइम तो मैं कोच साहब के भी कांटेक्ट में नहीं था, तब एक सब्जी वाला अंकल था, मैं उसका आज भी नाम लेता हूँ और हमेशा लेता रहूँगा। वो अपने यहाँ राजा पार्क में गुर्जर हॉस्टल के सामने लगाते हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी। और उन्होंने कहा था जितने पैसे चाहिए तेरे को, सिर्फ उससे मैं सब्जी लेके आता था, हॉस्टल में रहता था तब, तो उसी वो व्यवहार की वजह से उसने मेरे को पैसे दिए थे। और मैं उनको आज भी शिवचरण माली का कहा जाता है कि उनका भी हाथ आपके सिर पर था। हाँ, शिवचरण माली जी ने भी मेरी हेल्प की थी। हाँ। शिवचरण माली जी ने अपने घर पर बुलाया था मानसरोवर में। हाँ। और उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी। अच्छा, तो एक डिप्रेशन का फेज आया जिससे आपने फिर से लड़ाई की। एक डिप्रेशन का फेज वो था जब एक्सीडेंट हुआ, फिर आप ओलंपिक के लिए तैयार हुए, फिर बदकिस्मती साथ थी कि उसमें नहीं जा पाए, और फिर एक डिप्रेशन का फेज, फिर जब कमबैक हुआ तो एक बड़ा कमबैक था 2017 का, जो पिछले साल विश्व पैरा एथलेटिक्स में आपने गोल्ड जीता था, उस कमबैक को कैसे देखते हैं सुंदर? हाँ, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप नज़दीक आ गई थी तो एक वापस से उम्मीद जो जगती है कि अब चलो कोई ना, जो हो गया अब आगे अच्छा करना है। तो फिर से और वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैंने इतनी खास तैयारी नहीं की थी। अच्छा। जो तैयारी मैंने ओलंपिक की थी वो मकसद बना के नहीं किया, मैं ऐसे गया था चल मेरा मेडल आ जाएगा। क्यों, ये क्यों? क्योंकि ये तो कमबैक था ना, आपको ये चैलेंज जो था आपके सामने, विरोधियों को जवाब देने का एक मौका था, तो फिर वहां पर मेरा पता था कि इतना पता था कि मैं शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन तीनों इवेंट किए थे उसमें। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले मेरे दुबई में वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स थी, उसके अंदर मेरे तीनों में गोल्ड थे, शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन में भी। फिर मैं थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इंजरी हो गई थी, तो मेरे 2-3 महीने इंजरी में खराब हो गए, तो इतनी बेटर तैयारी नहीं कर पाया, बेहतर कि इंजरी के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो उसके बाद में फिर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड था, तो उससे मेरी उम्मीदें जगी कि अब आगे अच्छा ही करूंगा, और अब तो बस रुकने का नाम तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं, क्योंकि 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीता, फिर एशियन पैरा गेम्स में भी डंका बजाया, देश का मान बढ़ाया। तो ये जो सेकेंड इनिंग कह सकते हैं इसे, ये सेकेंड इनिंग और आगे कहां तक जाएगी, इस पर भी बात करेंगे सुंदर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, मंजिल बुला रही है। जी हाँ, सुंदर भी उसी के उदाहरण है। ऐसा नहीं था कि जिंदगी बहुत स्मूथ थी, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, और बहुत ही साफ गोई से, बहुत ही दिल से उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि कई दफ़ा ऐसा आया कि वो बहुत डिप्रेशन में गए, यहाँ तक कि खुदकुशी तक का ख्याल उनके जहन में आया। लेकिन कहते ना कि एक खिलाड़ी एक फाइटर होता है, और उस फीलिंग से भी उन्होंने फाइट की, दूसरी इनिंग शुरू की जिसमें कामयाबी भी मिली। अब इस दूसरी इनिंग में सुंदर के सामने क्या क्या टारगेट हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। सुंदर, अब अगला टारगेट जिसके लिए जी जान से आप जुट जाएंगे, जिसमें कोई इफ नहीं कोई बट नहीं। बस मैम, मेरा जो मेन टारगेट है, मेन फोकस है, वो तो 2020 ओलंपिक है। उसके लिए तो मैं कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ, मेरे घर परिवार सबका त्याग कर सकता हूँ मैं, उसके लिए तो इतना है कि बस मेरे को एक गोल्ड चाहिए ओलंपिक का, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। और उससे पहले 2019 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है वापस, तो उस वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन जो साजिश रियो के समय हुई, क्या वो अब नहीं हो सकती है? अब उसके लिए कैसे तैयार, उससे निपटने के लिए? हाँ, उससे लिए तो अब मेरे को साहब मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे बाहर ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे हैं। इस बार अच्छे मैं बाहर ही ट्रेनिंग करूंगा। अब कहाँ जाएंगे? इस बार फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए गया था अभी एशियन गेम से पहले भी, और अब वापस वहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ अच्छी तैयारी करूंगा। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इस बार मैं 2 इवेंट करूंगा, जेवलिन और डिस्कस, और उम्मीद है कि उसके अंदर दोनों में गोल्ड लेके आऊँ, क्योंकि इस बार जो एशियन गेम्स हुए हैं इसमें मैं काफ़ी किनारे से दोनों में गोल्ड से चूक गया था, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये पूरी करूंगा, और जो 2020 ओलंपिक है उसमें मैं अच्छा। अच्छा, इस सुंदर की खासियत है वो हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, अपने रिकॉर्ड को तोड़ते जाते हैं। आप कौन से एक टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं, कैसा कौन सा माइलस्टोन सेट करना चाहते हैं, जो दिल से चाहते हैं कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ सुंदर कर सकता है और कोई नहीं? यस मैम, जो अभी 2020 जो ओलंपिक आएगा, मेरी उम्मीद है कि मैं वहाँ 70 से ऊपर जेवलिन मारूँ,
और मेरा मेन फोकस है 70 से ऊपर ही मारने का, उसके लिए मैं हार्डवर्क करूंगा और जितना भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा उसको मैं करूंगा। अच्छा, आपने हार्डवर्क की बात की, तो अगर रूटीन की हम बात करें, डाइट की बात करें, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप, क्या कुछ करते हैं? हाँ, मैनेज इसमें तो अपने जो प्लेयर्स होते हैं ये बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते, मैं तो सिर्फ मेरे घर की, मेरा एक दोस्त है हिम्मत सिंह, सिर्फ वो जो बनाता है वही मैं खाता हूँ। अच्छा। बाहर का तो मैं कुछ भी चीज़ नहीं खाता, बाहर तक से मैं दूध तक नहीं पीता बाहर का लाके। अच्छा। या मैं दूध भी नहीं पीता, मैं जो घर में वो बनाता है और वो कहाँ से लाता है कहाँ से नहीं लाता वो इसका ही। वर्कआउट कितना? वर्कआउट सुबह से हम 3-4 घंटे सुबह करते हैं, 3-4 घंटे शाम को करते हैं, और वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं अपने को साहब, महावीर जी जो हैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करवाते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने मन की बात में आपका जिक्र किया था, तो कैसा लगा था, और अभी सम्मानित भी किया प्रधानमंत्री ने? जब पीएम मोदी ने, जब 2016 के ओलंपिक के बाद टीम आई थी, तब पीएम मोदी ने पूरी टीम को बुलाया था, उसमें मेरा भी नाम था, बट उस टाइम मैं गया नहीं था। मैंने मन में सोचा था कि जिस दिन मैं मेडल लेके आऊँगा उसी दिन मैं उनके पास जाऊँगा, उससे पहले मैं नहीं जाऊँगा। तो को साहब ने भी कहा चल ठीक है मत जाए। उसके बाद 2017-18 में उन्होंने पीएम मन की बात में भी कहा था, तो मेरे को काफ़ी खुशी हुई कि एशियन गेम्स आ रहे हैं, मैं मेडल लेके मैं जाऊँगा। तो एशियन गेम्स में जब 2 मेडल आए तो उन्होंने टीम को बुलाया वापस, उस टाइम मैं अभी जाके आया, तो उन्होंने काफ़ी बधाई भी दी थी और बोला था कि आप कितनी भी ट्रेनिंग करो, जो हमसे होगा हमारे लायक हम करेंगे, बट हमें 2020 ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए आपसे। अभी जो मौजूदा खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो खुद एक खिलाड़ी थे और अब उस पूरे विभाग को, मंत्रालय को देख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, साई को लेकर खास तौर पर चेंजेस किए गए हैं, जिसे आप स्पोर्ट्स इंडिया भी कहते हैं, वहाँ पर व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की बात कही जा रही है, क्या इससे सुंदर सहमत हैं, बदलाव दिख रहा है? जो आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपने राज्यवर्धन जी हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में अपने 2020 ओलंपिक में बहुत ज़्यादा मेडल आएंगे, पहले के बजाय ज़्यादा आएंगे। और उन्होंने स्कीम चलाई है एक टॉप्स स्कीम के अंदर प्लेयर्स को 50,000 रुपये पॉकेट अलाउंस दिया जाता है, एंड आप बाहर ट्रेनिंग करने जाते हो तो उसका पूरा खर्चा दिया जाता है, इक्विपमेंट्स का इनका जो सारा खर्चा है वो देती है गवर्नमेंट। तो इससे काफ़ी जो खिलाड़ी के लिए जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कत नहीं आती हैं, बाहर ट्रेनिंग करके आ सकता है अच्छे, तो इससे काफ़ी खेल में सुधार हुआ है। और एक जो खिलाड़ी खिलाड़ी की फीलिंग समझता है उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, तो शुरू से ये कहा जाता गया कि हम अगर देखें, हम चाइना से कंपेयर करें या कोरिया से कंपेयर करें, तो एथलेटिक्स में हम पीछे रह जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि डाइट तक प्रॉपर नहीं मिल पाती है, क्या ये सही है, और क्या अब बदलाव आपको दिखता है कि होगा आगे जा करके बदलाव? हाँ मैम, पहले ऐसा होगा लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। आज आपने फेस किया वो, क्योंकि कहते हैं कि बजट तो बहुत जाता है लेकिन करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, वहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं मिलता अधिकारियों का? नहीं मैम, मेरे लिए तो पूरा सपोर्ट मिला है, गवर्नमेंट से मेरे लिए पूरा सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलेगा। और अब तो काफ़ी बदलाव आ चुका है, क्योंकि अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो खुद ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो वो सारी खेल की व्यवस्था को समझते हैं कि हमें खिलाड़ियों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी पहल की गई है 2024 और 2028 के ओलंपिक के लिए, ये कहा जा रहा है कि 8th क्लास तक के बच्चों में से किसी को स्कूल स्तर पर निकालेंगे, उसको तैयार करेंगे ओलंपिक के लिए, तो ये एक पहल कैसी आप मानते हैं कि गाँव तक क्या पहुँच बन पाएगी इससे, जो कहते हैं कि बहुत दूर दराज खिलाड़ी छुप कर रह जाता है, उसको कोई निखार ही नहीं पाता, बाहर ही नहीं ला पाता, तो उसके लिए एक बड़ी पहल होगी? हाँ मैम, जो अब उन्होंने ये स्कीम चलाई है खेलो इंडिया स्कीम चलाई है, हाँ खेलो इंडिया से वो स्कूलों के जो ग्रामीण अंडर 14 के अंडर 17-19 सारे प्लेयर्स आते हैं उनको वो छांटेंगे और उनको रखेंगे, उनके लिए वो 2024 और 28 का टारगेट बना के उनको वो तैयारी कराएंगे, उनके सारी फैसिलिटियाँ देंगे, ऐसा वो करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा होगा कि भविष्य में अपना स्पोर्ट्स काफ़ी ऊपर आ जाएगा। लेकिन खामियां बहुत हैं, अगर आप जिला स्तर पर जाइए तो शायद वो व्यवस्थाएं नहीं होती, क्योंकि अक्सर शिकायतें आती रहती हैं आपके बीच से, खिलाड़ी कहते रहते हैं, तो उन खामियों को दूर करने के लिए सुंदर क्या कहेंगे? अब ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लमें तो आते ही हैं, उनका सामना तो खिलाड़ी को करके आना ही पड़ता है। अब कुछ प्रॉब्लम तो आते ही हैं नीचे लेवल पर, अगर आप ऊपर आ जाओगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन एक नीचे से ऊपर आने के लिए तो आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। और जो ये छोटी छोटी स्कीमें जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट में, अपने कई डिस्ट्रिक्टों में तो वो स्पोर्ट हॉस्टल बने हुए हैं, अगर ये गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट हॉस्टल बनाए और वहाँ पे स्पोर्ट्स। लेकिन लंदन ओलंपिक में जो कमाल भारत ने किया था उसके बाद वो कमाल अभी देखने को नहीं मिला, तो इसकी क्या वजह? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मेडल्स बढ़ेंगे लेकिन वैसा नहीं देखने को। हाँ, लंदन ओलंपिक के बाद जो अपने ये 2016 रियो ओलंपिक के पास अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने राज्यवर्धन जी बने, तो इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि 2020 के ओलंपिक में अच्छा रिजल्ट देंगे, उससे पहले
हमारे देश में ऐसे ऐसे तो जो मंत्री बनते हैं जो इतना वो नहीं जानते खेल के बारे में, अब जो खेल से जुड़ा हुआ है वो खेल को काफी ऊपर लेके जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बाकी जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें एथलीट्स जो है हमारे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओलंपिक में जाकर के ढेर हो जाते हैं? और ये तो रेसलिंग और बॉक्सिंग में तो फिर भी बेहतरीन होता है प्रदर्शन कंपेयर करें अगर, लेकिन एथलीट में हम कमजोर पड़ जाते हैं ओलंपिक में, इसकी वजह कुछ तो होगी। एथलेटिक्स में आज तक हिंदुस्तान का कोई मेडल नहीं आया है। हाँ। फोर्थ नंबर तक जरूर रहे अपने। हाँ। मिल्खा सिंह जी रह गए थे, पीटी उषा जी रह गई थी, अपने राजस्थान के भी श्रीराम जी थे जो सिक्स सेवेंथ रहे थे। लेकिन अब जो आने वाले 2020 ओलंपिक में एथलेटिक्स मेडल आने की उम्मीद है, क्योंकि आज हमारे इंडिया का जो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के अंदर आज वर्ल्ड के टॉपरों में वो चल रहा है, कॉमनवेल्थ में उसका गोल्ड था, एशियन गेम्स में उसका गोल्ड था, जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका है जेवलिन का 86 कुछ का। तो उम्मीद करते हैं कि 2020 ओलंपिक में अपने एथलेटिक्स में मेडल आएगा। आएगा मेडल? यस मैम। अच्छा, और 2020 के अलावा और कौन सा टारगेट आपके लिए? मेरा तो टारगेट 2020 24 तक है, 24 जितना मेरा होगा उतना करूंगा। अच्छा, तो क्या फिर से शॉटपुट वगैरह का कुछ आप रुक करेंगे या फिर इसी में कंटिन्यू करेंगे? 2020 ओलंपिक तो मैं सिर्फ कोई इवेंट नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा जेवलिन करूंगा। अच्छा, और किसी और इवेंट में? नहीं, मेरा ओलंपिक डिस्कस थ्रू भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, ओनली जेवलिन। अच्छा, अक्सर देखते हैं कि खिलाड़ी जब खेलते हैं कोच का जब सहयोग मिलता है तो उनके मन में भी भावना आती है कि जो उनके जूनियर्स हैं या उनके सामने आने वाले खिलाड़ी हैं उनको वो गाइड करे, तो क्या सुंदर ने भी कुछ ऐसा ही टारगेट अपने लिए सेट किया है कि कल जाकर वो भी किसी को गाइड करेंगे, किसी और सुंदर को तैयार करेंगे कि वो भी नाम करे, एक छोटे से परिवार का लड़का निकल कर बाहर आए? यस मैम, मेरे से जितना होगा, मेरे से जितना खिलाड़ियों के लिए होगा उतना मैं करूँगा, बस ओलंपिक के बाद, ओलंपिक तक मैं मेरे खुद को टारगेट बना के तैयारी करूंगा, ओलंपिक के बाद जितना मैं अपने गांव से अपने क्षेत्र से खिलाड़ियों को रास्ता दिखा सकता हूं उनको लाऊंगा और अपना स्पोर्ट्स का रास्ता दिखाऊंगा। जी, अभी पूरा फोकस सिर्फ ओलंपिक पे है, यानी कि एक सबसे बड़ा जो दिल के करीब एक सपना है वो ओलंपिक है। यस मैम। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है और आपको शुभकामनाएं उसके लिए कि जो 16 में नहीं पूरा हो सका वो 20 में पूरा हो जाए। लेकिन एक और खास बात है, अगर हम खेल खिलाड़ियों को देखें तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इन फ्यूचर भविष्य में जा करके राजनीति से जुड़ती दिखाई दिए और बहुत बड़े मिनिस्टर भी बने, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ी हैं। तो क्या सुंदर ने भी कुछ ऐसा सोचा है कि आगे जाकर अगर कहीं कुछ होगा तो सियासत में कुछ इंटरेस्ट आगे जाकर? मेरे को कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और ऐसा मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, ओनली मेरा खेल है तो मैं खेल के क्षेत्र में ही आगे भी काम करूंगा और ओनली स्पोर्ट्स में करूंगा। अच्छा, खबरें देखते हैं, पॉलिटिकल खबरें देखते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्ट रहता है? मतलब एक नागरिक के तौर पर ही सही है, खिलाड़ी के तौर पर ही सही? पॉलिटिक्स खबरें मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, सिर्फ मैं अपना अखबार भी पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ खेल प्रेस पढ़ता हूँ और आगे का मोटा मोटा देखता हूँ बस हेडलाइन, बाकी खेल के जो भी अपनी टीवी पे भी देखता हूँ तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ ज़्यादा देखता रहता हूँ। इसके अलावा और कुछ अगर करना चाहें, मतलब होता है कि आप खेल तो रहे ही हैं, एक स्प्रिट तो हमेशा रहती है खिलाड़ी वाली, लेकिन भविष्य में कुछ तो सोच के बैठते हैं कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद हम ये करना चाहेंगे? यस, मैं तो आगे भविष्य में स्पोर्ट्स की अकेडमी चलाऊँगा। अच्छा। और जितने भी अपने बच्चे हैं नीचे के उनको लेके आऊँगा और ऊपर तक निकालने की कोशिश करूँगा। यही घर परिवार की अगर बात की जाए तो वहाँ से कितना सपोर्ट मिलता रहा? अब आगे आपने जैसे बोला कि पढ़ाई में आपकी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्या अब लगता है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होनी चाहिए, उसको लेकर भी घर से कभी कोई बात हुई? हाँ, अब तो घर वाले साले जो पहले जो सारे घर वाले बोलते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, आज वो घर वाले मेरा नाम लेके अगर कहीं भी जाते हैं तो कहाँ से हैं कि हम सुंदर के फादर हैं या सुंदर के चाचा हैं या ताऊ हैं, सब नाम लेके बताते हैं। फिर मेरे को भी ऐसा लगता है कि कल तक जो मेरे को ये कहते थे कुछ नहीं करेगा आज वो मेरा, तो उससे काफी गर्व होता है। लेकिन पढ़ाई में कुछ लगता है कि हाँ जो पहले छोड़ के आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई मैंने पहले बीच में छोड़ दी थी, अब वापस से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस बार मेरी सेकंड ईयर चल रही है। अच्छा। और अगले साल फाइनल ईयर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर और ऑल द बेस्ट 2020 के लिए, क्योंकि सबसे करीबी जो सपना है दिल के सुंदर के वो है ओलंपिक का सपना। 2016 में टूटे थे तो 2020 के लिए उम्मीदें फिर से जुड़कर तैयार हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करने की बात कह रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से आपको डंका बजाएंगे, हमारे देश का, हमारे राजस्थान का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। तो ये थे फेस टू फेस में सुंदर गुर्जर हमारे साथ, बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया कि किस तरह से संघर्ष रहा, साजिश की बात भी रही, और बड़ी बात यह है कि साजिश होती है लेकिन उनका कहना है कि वो टूटेंगे नहीं, आगे भी हो सकता है कि ऐसी साजिशें हों लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, प्रैक्टिस जारी रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे और 2020 में गोल्ड भारत को जरूर दिलवाएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।